नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीटी 4 वर्षीय बीए बीएड व बीएससी बीएड व 2 वर्षीय बीए बीएड व बीएससी बीएड की काउंसलिंग तिथि के बारे में कि काउंसलिंग की जो सेकंड लिस्ट है अलाउटमेंट की वो आ चुकी है, अब फीस है वो आपको कब जमा करानी है, कितने रुपए करानी है और आपके बीए में कितने प्रतिशत होने चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अब तक पूरा देखें। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब उसे जरूर दबाएं, उसी के सामने जो बेल आइकन जो घंटी उसे जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे आप जो सेकेंड लिस्ट है वो आ चुकी है, तो अब आपको है वो इसमें आप देख सकते हैं सेकेंड लिस्ट की सूचना 26 तारीख को दे दी गई। अब हम बात करने वाले हैं कि उसके फीस क्या है, जो फीस है वो 22,000 रुपए है। तो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसके अलावा एक्स्ट्रा फीस लगेगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होगा, आपकी जो 22,000 रुपए फीस है वो आपको 22,000 रुपए ही भराना है, वो आप बैंक के माध्यम से भरा सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से। उसकी जो दिनांक है वो 26 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट की अगर हम बात करें तो 21 जुलाई 2018 रहेगी। उसी के बाद उनको कॉलेज मिल गई और वो फीस जमा कराने के बाद है वो महाविद्यालय में रिपोर्टिंग अपने जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है उनकी जांच के लिए 26 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है और 31 जुलाई तक है अवश्य रूप से अपने डॉक्यूमेंट है वो चेक करा ले जो दस्तावेज है वो। अब हम बात करें कि बीए में आपके कितने प्रतिशत होने चाहिए आपको बीएड करने के लिए। अगर हम जनरल की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके कम से कम है वो 50% होने अनिवार्य है। इसी के अलावा अगर हम बात करें, अगर आप ओबीसी या एससी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी या एसबीसी कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके है वो कम से कम 45% होने अनिवार्य है। अगर आपके 45% नहीं है, अगर आप जनरल से हैं आपके 50% नहीं है तो आप बीएड नहीं कर सकते और जल्दी से जल्दी फीस है वो जमा करा दें। जो 22,000 रुपये है वो आपको जमा करानी होगी, उसकी दिनांक मैंने आपको बताई थी। इसके बाद आपको दोबारा कोई है वो मौका नहीं मिलेगा कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए। आपके पास 31 जुलाई 2018 लास्ट डेट रहेगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, जो लाल बटन है उसी के सामने जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।